देश से बाहर लिए चलते हैं, रूस और यूक्रेन की बात करते हैं जहां तनाव जारी है। इस बीच दूसरे कई देशों के सैकड़ों लोग वहां फंसे हुए हैं, इसमें रीवा का एक छात्र प्रज्वल तिवारी भी है। दोनों देशों के बीच खींचतान के चलते वहां टेलीफोन सेवाएं ठप हैं। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप कॉलिंग पर परिवार से प्रज्वल का संपर्क हुआ था, वहीं परिजनों ने बेटे की वतन वापसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। प्रज्वल के पिता की माने तो बेटे की चिंता के चलते उनके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। जवाहर तहसील के रामबाग का रहने वाला प्रज्वल यूक्रेन के तारोनोपील स्टेट की मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS सेकेंड ईयर का छात्र है। प्रज्वल के पिता बुद्धिसागर तिवारी की हार्डवेयर की दुकान है। दो भाई और बहन के बीच प्रज्वल घर में सबसे बड़ा है। आपको बता दें कि यूक्रेन के हालातों को लेकर भारत ने वहां रहने वाले भारतीयों से अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। बड़ा लड़का हमारा यूक्रेन में टर्नोपील सिटी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में MBBS का कोर्स करता है। 1.5 साल पहले यहां से घर से गया है। अब वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पेपर समाचार में जो भी आता है, लड़के से संपर्क नहीं हो रहा है। पूरे घर वाले रो रो के बेहाल हैं। ना तो खाना पानी का कोई यहाँ बन रहा है, ना कोई खा पी रहा है, सब परेशान हैं। लास्ट बार लड़के से कब बात हुई थी? 5 दिन पहले बात हुई थी। बताया कि लड़का सदमे में था, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया।